हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑलटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 गेम्स के बारे में, जो कि बिल्कुल GTA 5 का लुक देने वाला है। अगर आप भी इस तरह का गेम्स खेलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इस गेम में आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट और उसी तरह के मिशन देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में नंबर 10 पे आता है मैड आउट 2। ये पूरा का पूरा ओपन वर्ल्ड गेम है। अगर हम इसके मैप की बात करें तो इसका मैप 10x10, मतलब कि इस मैप का जो डायमेंशन है वो 10 किलोमीटर देखने को मिलता है, जो काफ़ी बड़ा है। इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मिशंस देखने को मिल जाएंगी। इस गेम में आपको 40 डिफरेंट टाइप्स के कार मिल जाएंगे। अगर अलग अलग तरह के वेपन्स मिलेंगे। इस गेम को हम रशियन GTA भी बोल सकते हैं। तो अब इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट गेम आता है लॉस एंजल्स क्राइम। ये पूरी तरह से ओपन वर्ल्ड शूटर गेम है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के मोड्स प्ले करने को मिल जाएंगे, जैसे TDM, जॉम्बी सर्वाइवल एंड क्लियर द सिटी। और इसमें ख़ास बात यह है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करके भी इस गेम का एंजॉय ले सकते हैं। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 मैप्स और 5 गेम मोड्स दिए गए हैं। TPS और FPS व्यू भी इंक्लूड किया गया है इसमें। इसकी ग्राफिक्स आपको पूरी तरह रियलिस्टिक देखने को मिलती है और मोशन कैप्चर एनिमेशन का यूज़ किया गया है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे वर्क करता है। इसमें मुझे एक ख़ास फीचर बहुत अच्छा लगा, इसमें PS4 कंट्रोलर का सपोर्ट दिया गया है, जिसको आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं और आप इस गेम को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये गेम भी पसंद नहीं आया तो बढ़ते अपने 8th गेम की तरफ। दोस्तों, हमारा 8th गेम गैंगस्टर वेगास है, जो कि पूरा ओपन वर्ल्ड फुल ऑफ माफिया से भरा रहता है। इसमें आप एक गैंगस्टर रहेंगे और पूरा गैंगस्टर को ख़त्म करके खुद वेगास सिटी में राज करना होगा। ये गेम फुल ऑफ गैंग वार्स, चोरी, एक्शन, रेसिंग, जॉम्बी शूटिंग, स्ट्रीट फाइट से भरा हुआ है। इसमें आपको 80 से ज़्यादा मिशंस कंप्लीट करने को मिलेंगे। आपको अपनी खुद की गैंग बनानी है और दूसरे गैंग से फाइट करनी है। आप फाइट करने के लिए हर तरह की वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लेम थ्रोवर, कॉकटेल्स, ग्रेनेड लॉन्चर और भी बहुत सारे वेपन्स दिए गए हैं, जिसको आप फाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्राइम ज़्यादा कर देते हैं तो कॉप्स आपको रोकने की कोशिश करेगी। आपको उनसे बच के इस पूरी वेगास सिटी का डॉन बनना है। इसमें पूरा गेम एक्शन से भरा हुआ है। आप भी इस गेम को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए, इसी के साथ हम अपनी सीरीज़ में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गेम रियल गैंगस्टर क्राइम है। इस गेम के 2 पार्ट्स हैं, आप दोनों को ही ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही गेम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें आपको बताया गया है कि ये पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड है और बहुत कम लोग हैं जो टॉप तक पहुंच पाते हैं। ये पूरा 3D ओपन वर्ल्ड गेम है। आपको इसमें ह्यूज मॉडर्न सिटी दिखाया गया है, जो कि पूरा डेजर्ट से भरा पड़ा है। आपको एक्साइटिंग मिशंस देखने को मिलेंगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्स मिलेंगे, चाहे वो सिटी कार्स हो या फिर स्पोर्ट्स कार हो। आपको हर टाइप के कार्स मिलेंगे। आप अपने कैरेक्टर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इस गेम के दोनों पार्ट्स को इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट गेम कौन सा है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गेम निकल के आता है वेगास क्राइम सिमुलेटर। इस गेम के भी 2 पार्ट्स हैं, आप दोनों को ही ट्राई कर सकते हैं। इस गेम की पूरी स्टोरी गैंगस्टर पे बेस्ड है। आपको इस गेम में अपने आप को प्रूफ करना होगा कि आप ही इस सिटी के किंग हैं, आप ही बॉस हैं। आपको अपना अंडरग्राउंड एम्पायर बिल्ड करना होगा। लेकिन ये सब करने से पहले कुछ लोग आपको धोखा देंगे, आपके साथ गद्दारी करेंगे। आपको उन सबको ख़त्म करके खुद को किंग बनाना है, तभी आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे और एक नया अंडरग्राउंड एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। आपको बहुत सारे वेपन्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कार्स मिलेगी। इसमें 3D मैप दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप इस पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। आप अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरह के स्किल्स मिलेंगी, जिसको आप इस गेम में यूज़ भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये गेम पसंद आया होगा, और अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो और भी गेम्स हैं जो मुझे आपको बताना है। तो चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं इस सीरीज़ में आगे और आपको बताते हैं कि हमारा नेक्स्ट गेम कौन सा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला गेम आता है ग्रैंड सिटी टक क्राइम गैंगस्टर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम इतना अजीब और इतना बड़ा है, पता नहीं गेम कैसा होगा।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, नाम चाहे जैसे भी हो लेकिन गेम बहुत ज़्यादा मस्त है। ये फुल्ली ओपन वर्ल्ड गेम है। आपको इस पूरे ओपन वर्ल्ड क्राइम सिटी का हीरो बनना है। आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे। इस गेम में आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एक रियल क्राइम गैंगस्टर हीरो से, और आपको मिशन क्राइम और लॉर्ड और गॉडफादर के अगेंस्ट अगेंस्ट रहेगा। आपको ग्रैंड वॉर्स और स्ट्रीट क्राइम्स को रोकना होगा। आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स और शूटिंग स्किल्स से इस पूरे ग्रैंड वॉर गैंगस्टर का असली हीरो बनना है। इसमें आपको बहुत सारे व्हीकल्स और डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स मिल जाएंगे। और अगर हम इसके कुछ खास फीचर्स की बात करें तो इस ओपन वर्ल्ड में 4 थ्रिलिंग ग्रैंड गैंगस्टर मोड्स मिल जाएंगे। ड्राइव, शूटिंग, फ्री मोड और चैलेंज मोड भी दिया गया है। चैलेंज मोड में 10 एक्साइटिंग लेवल्स दिया गया है। आप स्पेशल साउंड इफेक्ट्स के साथ इस गेम के एंजॉय कर सकते हैं। आप इस ओपन वर्ल्ड मिशन के लिए 3 रियल हीरो को चूज़ करने का भी ऑप्शन दिया गया है। और लास्ट में इसके और एक क्राइम सीन्स को एपिक और एडिक्टिव बनाया गया है, जिससे गेम को और भी ज़्यादा खास बनाता है। आप इस गेम को भी ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट गेम निकल के आता है न्यूयॉर्क सिटी क्राइम। दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये गेम पूरा न्यूयॉर्क सिटी में बना है, जो कि एक ब्यूटीफुल लोकेशन है। इसमें पूरा माफिया क्राइम गैंगस्टर को दिखाया गया है। आपको फर्स्ट मिशन टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी में होगा। आपको माफिया के एजेंट गॉडफादर से मिलना है और पूरा डिटेल्स लेना है और एक प्लान बनाना है क्राइम गैंगस्टर से। दोस्तों जितना सी ही आपको स्टोरी सुनने में अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा मज़ा आपको तब आएगा जब आप इस गेम को खुद प्ले करेंगे। आपको इस पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी। आपको अपने सारे मिशंस कंप्लीट करने हैं। आपको गैंग वॉर से भरा होगा। आप भी इस गेम को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले गेम की तरफ। हमारा नेक्स्ट गेम निकल गया था पे बैक 2। गेम ऑलमोस्ट रेसिंग से रिलेटेड है। द गार्जियन की तरफ से एक जो कि एक ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर्स ऑफ द वीक चुना गया है। पे बैक 2 में लगभग सब कुछ इंक्लूड किया गया है, जिसके जैसे टैंक बैटल्स, हेलीकॉप्टर रेसेस, गैंग बैटल्स, स्ट्रीट डॉल्स, रॉकेट कार रेसेस एंड मच मोर। इस गेम को आप मल्टीप्लेयर मोड में भी खेल सकते हैं। मतलब आप बैटल्स के लिए अपने दोस्तों को ऑनलाइन इन्वाइट कर सकते हैं। आप अपना खुद का गेम का कस्टम मोड भी बना सकते हैं। आप भी इस गेम को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट गेम की तरफ। दोस्तों हम अपने सीरीज़ को एंड करने के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और आप ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा सेकेंड लास्ट गेम है मैड सिटी प्रिजन। इस गेम में आपको डेथ का वारंट दे दिया जाता है। आप इस प्रिजन के से कैसे निकलते हैं और कैसे बहुत सारे प्रिजनर्स का बाहर निकालते हैं, पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है। आपको एक्साइटिंग एडवेंचर देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स मिलेंगे आपको इस गेम में। डिसेंट लेवल की और साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएगी। आपको हर एक चीज़ पॉसिबल करना है प्रिजन से बाहर निकलने के लिए। आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, डायनेमिक बैटल्स और सिंपल ऑपरेशन करके मिशन को सक्सेस करना है। ये स्टोरी है जेफरी कॉर्टिस की, जो कि हाईटेक प्रिजन में बंद हो जाता है। वो और उसके दोस्त फिर प्लान बनाते हैं इस प्रिजन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन काम इनको सिक्योरिटी को पता चले बिना करना होगा, वरना वे इनको मार देंगे। तो दोस्तों ये है स्टोरी। अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस गेम को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे और एंड करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट गेम निकल के आता है भाई द गैंगस्टर। ये गेम इंडिया का नंबर 1 गेम माना गया है। इसमें पूरी हिंदी मूवी स्टोरी लाइन का यूज़ किया गया है। ये पूरा ओपन वर्ल्ड इंडिया पे बेस्ड बनाया गया है। इसमें हिंदी डायलॉग इंडियन कैरेक्टर का यूज़ किया गया है। मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पता लग सके कि इस गेम की स्टोरी लाइन कैसी होगी। आप एक भाई रहेंगे जो एक गैंगस्टर है। भाई की गर्लफ्रेंड को मार दिया जाता है और भाई अपने गर्लफ्रेंड के किलर से रिवेंज लेने के लिए निकल पड़ता है। भाई सिटी के लिए एक गैंगस्टर रहता है, लेकिन वो एक अच्छा रास्ता चूज़ करता है। भाई की गैंगस्टर बनने से फ्रेंड के बजाय उसके बहुत सारे एनिमी बनेंगे। उनमें से एक होगा कांचा, जिसने सुपारी लिया था भाई के गर्लफ्रेंड को मारने की। ये जर्नी है भाई के रिवेंज की। तो आपको कांचा को ढूंढना है
और उसको मार के अपने गर्लफ्रेंड की डेथ का रिवेंज का पूरा को पूरा करना है। तो ये थोड़ी सी इस गेम की स्टोरी लाइन है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस गेम को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर इसकी कुछ खास फीचर्स की बात करें तो इस पूरे गेम में आपको हिंदी वॉइस ओवर मिल जाती है, इंडियन कैरेक्टर, इंडियन एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है, इंडियन ऑटो और मुंबई टैक्सी मिशंस कंप्लीट करने को मिल जाता है, इसमें आपको इंडियन पुलिस भी मिल जाती है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यूपी बिहार भोजपुरी स्टाइल जैसी और भी लैंग्वेज यूज़ किया गया है। इस गेम की स्टोरी लाइन और थीम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसलिए इस गेम को मैंने नंबर 1 पे रखा है। आप भी इस गेम को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 गेम्स जो बिल्कुल GTA की तरह ही लुक देते हैं। आपको इनमें से कौन सा गेम पसंद आया ये आपको, और कोई गेम के बारे में जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही और गेम चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप देख पाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।